पीएम मोदी ने वायुसेना दिवस पर एक ट्वीट किया है और लिखा है, एयरफोर्स डे पर वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। तो बस नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, वो आपको दिखा रहे हैं। खास दिन है, खास अवसर है और ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से इस दिन को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये पीएम मोदी ने वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, इस वीडियो को टैग करके। तो जरा देखिए कि किस तरह से वीडियो में भारतीय वायुसेना की जो शक्ति है वो नजर आ रही है। और ट्वीट करके भी उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और अहम बातें अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने लिखी है। तो आज का दिन बेहद खास, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, बस कुछ ही देर के बाद जो तस्वीरें हैं वो बस आनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी जानकारी और वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं।